एयरक्राफ्ट कैरियर से प्लेन को लॉन्च करने के लिए एक कैटापोल्ट सिस्टम का यूज किया जाता है। ज्यादातर एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक स्टीम पावर्ड कैटापोल्ट सिस्टम लगा होता है, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन की गर्मी से बनी स्टीम से एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च किया जाता है। लेकिन अब यूएस अपने ज्यादातर एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर ईमाल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम को डेवलप कर चुका है। सुनने से ऐसा लगता है जैसे प्लेन्स को बिना किसी सपोर्ट के केवल मैग्नेटिक इफेक्ट से लॉन्च करने का सिस्टम है, लेकिन असल में यह भी बेसिकली स्टीम पावर जैसा ही है। बस इसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज किया जाता है कन्वेंशनल स्टीम की जगह। प्लेन को आगे एक रोड से बांध करके मोटर पावर्ड वायर से लॉन्च कर दिया जाता है। हालांकि ये कन्वेंशनल कैटापोल्ट से ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट है।